मम्मी इसमें क्या क्या डाला है आपने? मिर्ची, प्याज, लहसुन। लहसुन? अच्छा। अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर भी पाओ? थोड़ा सा। वैसे भी मम्मी आपने तो लहसुन काफी सारा डाला, थोड़ा सा और डाल दो बाकी में। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काटो काटो काटो। हाँ मेड इट अरुहा आपी है नवैरा अरुहा। दिखाएं। वाह भाई ये तो जबरदस्त हो गया है, अब खाके भी दिखाएगी नवैरा। नवैरा खाके दिखाओ। वाह भाई ये जबरदस्त। अरुहा आपी को बताओ कैसा बना है। थैंक यू बोल दो अरुहा आपी को। अच्छा तो यहाँ पर ना कढ़ी का बड़े दिनों से ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था और ना अम्मी के हाथ की ना मतलब खाने का दिल कर रहा था। तो फिर मैंने जो है ना अम्मी से कहा कि यार अम्मी आप कढ़ी तो ज़रा बना के खिला दो सबको, क्योंकि गोश और ये ना चीज़ें खा के ना मतलब थक जाता है। थोड़ी कढ़ी ऐसी चीज़ है जो ना आप एवं भी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने सबसे पहले क्या किया था कि सबसे पहले हरी मिर्च ले ली थी, लहसुन ले लिया था और प्याज ले लिया था। अच्छा यहाँ पे हम जो है ना ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जो है ना आप लोग देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों को मिर्ची कितनी अच्छी लगती है, लहसुन कितना अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और प्याज जो थी वो 3 प्याज थी, लहसुन के 2 गट्ठे थे जो पूरा पूरा एक होते हैं वो 2 थे, और जो है ना मिर्ची जो थी वो 8 से 10 मिर्चियाँ थी। अच्छा यहाँ पर 1 किलो दही था और अम्मी ने क्या किया था, सबसे पहले मिर्ची और लहसुन और प्याज को पिसवा लिया था पानी थोड़ा सा डाल के, उसके बाद दही डाला था 1 किलो उसके अंदर पे पानी थोड़ा सा डाल के उसको भी अम्मी ने जो है ना ग्राइंड करवा लिया था। पता है ये बहुत इजी तरीका है, आप ग्राइंड कर लेना गुठली बनती है ना, हाथ में तकलीफ ना कोई मसला कुछ नहीं होता। अच्छा यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा पानी लिया है उसमें हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, नमक डाली है और ना इसको भी जो है ना अम्मी ज़रा से ग्राइंड करवा लेंगी कि ना इसको ग्राइंड कर दो। और जो है ना इससे ये होता है कि ना अम्मी कहती हैं कि इससे बिल्कुल भी गुठली भी नहीं बनती और बहुत अच्छा सा ना पेस्ट भी ना बहुत अच्छा सा बन जाता है और आप आराम सुकून से डाल के और जो है ना टेंशन फ्री होकर आप डाल देते हैं कि कोई गुठली नहीं इसमें फिर बनती। अच्छा यहाँ पे ना बेसन अम्मी कर रही थी। अच्छा बेसन जो ना टोटल ना कढ़ी के लिए और पकौड़ों के लिए 1.5 किलो से ऊपर लगा था हमारा ना, तो अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोग जिस तरह बना रहे हैं जितना बना रहे हैं। अम्मी ना बड़ा वाला पतीला बना रही थी तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने कहते किया था 1/2 किलो से ना थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया था उसमें डाला था, और कुछ नहीं बेसन में डाला था क्योंकि पहले ही सारे मसाले चले गए थे, बस बेसन में पानी डाल के उसको ना अच्छा सा पेस्ट बना के और ना ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया था। और ये देखें अभी भी अम्मी ने चूल्हे पर नहीं रखा हुआ है, चूल्हे से नीचे ही है और इसीलिए देखें चूल्हा जल रहा है ताकि मैंने कहा आप लोगों को मैं बता सकूँ कि ना चूल्हे के ऊपर नहीं रखा हुआ है, चूल्हे से साइड में ही है। अच्छा यहाँ पे अब दोबारा से अम्मी जो है ना 1/2 किलो तो थोड़ा सा कम होगा जो अम्मी ने लिया था, और मतलब आप ये लगा लें कि टोटल 1 किलो के करीब इसके अंदर बेसन गया होगा। और इसके अंदर ना ये देखें हल्दी अम्मी को ना थोड़ी सी कम लग रही थी तो अम्मी ने 2 चम्मच के करीब ना और इसके अंदर हल्दी डाल दी थी, और नमक भी अम्मी को थोड़ा कम लग रहा था तो अम्मी ने ना इसके अंदर नमक भी और डाल दिया था। और ये देखें बस इसको ना
अच्छा सा स्टम्मा चला लिया था और अब ना इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। ये देखें अब ना अब रखा है चूल्हे के ऊपर ना, जब सब कुछ मिक्स करा है उसके बाद चूल्हे के ऊपर रखा है। अच्छा अब यहाँ पर ना पकौड़ों का मिक्सर जो है ना वो बनाएंगे। पकौड़ों के मिक्सर के लिए भी ना ये मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ। ये देखें ये अम्मी ने बेसन ले लिया और यहाँ पर अम्मी ने क्या किया है, हरी मिर्च ली है और प्याज लिया है, ज़ीरा लिया है और सफ़ेद धनिया जो होता है साबुत धनिया वो लिया है और प्याज होंगी ये 5-6 के करीब होंगी प्याज। और पता है अम्मी को ज़रा इजी लगता है बैठ के, क्योंकि अम्मी की बैक की प्रॉब्लम है तो अम्मी से ना इतना खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इस वजह से ना अम्मी को ना हम प्रॉपर ना एक सेटअप बना के देते हैं। अगर अम्मी के हाथ का खाना है तो हम प्रॉपर ना अम्मी को एक सेटअप बना के देते हैं कि अम्मी सुकून से बैठ के और ना बना सकें चीज़ें वगैरह हम पकड़ा देते हैं। और जो है ना अच्छा इसके अंदर ना अम्मी ने क्या किया था, अब कढ़ी के अंदर ना लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर 2-2 चम्मच के करीब ना अम्मी ने लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर डाल दिया था। अच्छा ना हो आपके पास बेशक मत डालें, ऐसे तो लहसुन डाला ही है, लेकिन ये कि अम्मी कहती हैं इससे ना ज़रा अच्छा और थोड़ा सा जायका आ जाता है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर से ना। हो तो डाल दें, नहीं हो तो बेशक मत डालें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने डालना है। अच्छा उसके बाद ना ये देखें इसके अंदर जो पकौड़ों का मसाला था उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और इसको भी ग्राइंड करके दे दिया था अम्मी को। और यहाँ पर अम्मी ने बेसन में क्या किया था वो मिक्सर डाला है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर मिर्च डाली है, लाल वाली मिर्च, थोड़ी हल्दी डाली है और बस इसको ना अम्मी ने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अच्छा अम्मी ने थोड़ा सा ना गर्म मसाला भी डाला था और यहाँ कुटी मिर्च डाली है कड़ी में भी और इसमें भी, दोनों में कुटी मिर्च डाली है। ये नमक डाला है इसके अंदर अम्मी ने थोड़ा, क्योंकि अम्मी को नमक कम लग रहा था तो अम्मी ने नमक डाला है। और ये थोड़ा सा मीठा सोडा इसके अंदर डाला है। बस अब इसको अच्छे से ना अम्मी मिक्स कर लेंगे। देखेंगे कितना आसान तरीका है ना इसके पकौड़ों का भी, ना प्याज काटने का झंझट ना कुछ। अच्छा इसमें ना अम्मी ने कह रही थी कि थोड़े से ना दो टमाटर भी, अम्मी कहने लगी थोड़े से टमाटर भी इसमें डाल दो, तो बस मैंने 2 टमाटर ना ग्राइंड करके मतलब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के और इसको ना ऐसे करके रख दिया था। और ये हानी मैडम भी साथ साथ ही हैं, ये अम्मी से ना बातें लगी हुई थी हानि करने ना। अच्छा फिर उसके बाद ना इसके अंदर ना मुस्तकिल बस चम्मच चलाते रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ना ये नीचे ना गिरे। बस अम्मी कहीं थी कढ़ी का एक यही होता है कि ये नीचे ना गिरे। अच्छा यहाँ पे जो साबुत गरम मसाला है वो डाल रही हैं, जिसमें बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, मतलब ये सारा जो साबुत गरम मसाला था ना मिक्स साबुत गरम मसाला, वो ना थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ आप डाल दें इसके अंदर। अच्छा वो मत डालिएगा, वो जो जायफल जावित्री वगैरह होती है वो नहीं इसके अंदर जाती। अच्छा उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसी तरह ना अम्मी सारे पकौड़े बना लेंगे। अच्छा जो कढ़ी है ना वो पक रही है, वो दूसरे चूल्हे पे रख दिया था और जो है ना वो पक रही थी प्रॉपर, और बस उसका ये ध्यान रखा हुआ था कि ना वो नीचे ना गिरे। ये कि चम्मच वगैरह उसको चलाते ना और थोड़ी सी हल्की आँच कर लें, बड़ी जल्दी और इतनी क्विक ये बनती है ना, कोई झंझट नहीं है कि आपने सुबह से रखना है और रात तक आपकी ना कढ़ी पक रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब ये हमारी अम्मी के हाथ की कढ़ी खा के हर बंदा तारीफ़ करता है और हर बंदा यही कहता है कि इतने मतलब क्विक में बन जाती है ना ये, ना जायके में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और जो है ना बहुत जल्दी भी बन जाती है ये। अच्छा ये देखिए ये मैं आपको दिखाई थी, ये ना यहाँ पे पक रहा है और अभी भी ये देखें इतना गाढ़ा नहीं है ये ना, ये देखें ये थोड़ा पतला ही है, तो ये अम्मी कहती थी अभी भी इसको पकने दो। ये ना पकी होगी कोई 1/2 घंटे के करीब पकी होगी ये ना कढ़ी। अच्छा अब यहाँ पर ना ये पकौड़े वगैरह जो थे वो निकाल दिए, तो मैंने कहा ये आपको मैं दिखाऊँ, खा कर दिखाऊँ आपको। ये देखें ये ना अंदर से मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें कितने अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं। अच्छा वो जो पकौड़ों वाला तेल था ना उसको अम्मी ने ना ज़ाया नहीं करेंगे, उसको रीयूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं पकौड़ों का, पापड़ों का, किसी भी चीज़ का तेल ना 3 बार यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे तो अभी 1 ही बार यूज़ हुआ है। अच्छा तो खैर यहाँ पर ना अम्मी ने क्या करी है, चावलों के तुड़के के लिए यहाँ पे तैयारी करी है, क्योंकि कढ़ी होती है ना तो कढ़ी के साथ चावल बेस्ट आइडियल ना बड़ा खाना होता है। तो यहाँ पर अम्मी ने क्या किया था कि तेल डाला था, उसके अंदर ना अम्मी ने बड़ी इलायची डाल दी थी 2-3, और उसके अंदर ना नमक डाल दिया था और पानी डाल के रख दिया था, वही जिस तरह चावल बनाने का जो तरीका होता है। उसके बाद उसको बॉयल आया तो अम्मी ने उसके अंदर चावल डाल दिए थे, और ये देखें ये अभी भी पक रही है कढ़ी। अच्छा अब यहाँ पर ये देखें ये चावल डालने के बाद अम्मी को थोड़ा नमक कम लग रहा था तो अम्मी ने थोड़ा सा नमक ना और डाल दिया था इसके अंदर, और अच्छा अम्मी बैठती है ना तो अम्मी कहती है लाओ मैं सब कुछ ही बना देती हूँ, क्योंकि मिनट लगता है बनाने में ना अम्मी को।
तो खैर चावल हो गए थे, मतलब उसका पानी रिड्यूस हो गया था, तो फिर ना उसको ऊपर रख दिया था, चावलों को दम पे रख दिया था, मतलब दूसरी जगह पे। और यहाँ पर कड़ी जो थी ना, कड़ी ना फिर से अम्मी के पास आ गई थी, क्योंकि ना ये ज़रा गाढ़ी हो गई थी कड़ी। तो अब ना अम्मी को ना ये जो थी ना इतनी कड़ी ना खट्टी नहीं लग रही थी, तो फिर क्योंकि ना घर का दही था, तो ना एक ये भी देखें एक टिप है कि अगर आपका ना कड़ी ज़्यादा खट्टी ना हुई हो, दही इतना डालने के बावजूद भी, अभी 1 किलो के करीब दही डाला था, उसके बावजूद भी कड़ी ना इतनी खट्टी नहीं थी, तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे इमली का पल्प ले लें और जो है ना इमली के पल्प को ना पहले भिगो लें। और जो है ना अच्छा इसका भी एक ये टिप है कि अगर जल्दी आपने भिगोनी है तो इसको ना गर्म पानी में डाल के रख दें, तो फ़ौरन से ना इमली जो है ना वो घुल जाती है। और उसके बाद ना अम्मी ने उसका क्या कहता, सिर्फ ना इमली का जो पल्प होता है, जो पानी होता है, सिर्फ वो डाला था इसके अंदर, गुठलियाँ वगैरह नहीं डालिएगा, पर वो डालेंगे तो फ़ौरन से ना कड़ी खट्टी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है ना अम्मी ने इसके अंदर पकौड़े डाल दिए थे, जब इसको एक दो बाल आ रहा था तो फिर पकौड़े डाल दिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पर इसकी तड़के की तैयारी हो रही थी। सबसे ना मतलब अच्छा लम्हा जो होता है ना, ये तड़के वाला होता है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो तड़के का होता है ना, रौनक आ जाती है हर चीज़ में। अच्छा तो अम्मी ने तड़के में क्या क्या लिया था, इधर प्याज ली थी अम्मी ने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, लहसुन ले लिया था काफ़ी सारा, उसको भी चॉप कर लिया था, ये देखें गोल वाली मिर्च ली है, और जो है ना इसमें ज़ीरा अम्मी ने डाला था। और अच्छा प्याज जो है ना 2-3 प्याज थी, और लहसुन जो थे वो एक पूरा गट्ठा था, उसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। अच्छा ज़ीरा आप 2 चम्मच के करीब लगा लें, और ये जो गोल वाली मिर्च है साबुत मिर्च, ये अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे अम्मी ने कड़ी पत्ता डाला है। अच्छा ये कड़ी पत्ता जो है ना, ये अम्मी ने खुद ना घर पे खुश करके रखा हुआ था, क्योंकि कभी सब्ज़ी वाले से मिलता है, कभी सब्ज़ी वाले से नहीं भी मिलता, तो हमारे यहाँ ना बाहर लगता है, तो अम्मी क्या करती हैं उसको तोड़ के खुश करके रख लेती हैं, तो ताज़ा ताज़ा डाल लें वरना इस तरह डाल लें। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये जो बच्चे थे ये सारे ना लड़के यहाँ पे लगे हुए थे, लड़कों को तो बस आप मोबाइल दे दें, और ये लड़कियाँ थी, ये पता नहीं क्या क्या खेलने लगी हुई थी। और बस ये देखें, ये इतना अच्छा सा तड़का ये तैयार हो गया था, और ये बस अब इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। अच्छा हमारे यहाँ ना रोज़ रोज़ कड़ी नहीं बनती है, ये आप लगा लें कोई ना 2-3 महीने बाद एक बार बनती है, और ना लेकिन बनाती हैं अम्मी, तो फिर ये कि सब ना साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम सारे भाई सब बहन भाई ना हम फिर साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये ना सबके साथ ही मज़ा आता है, अकेले बैठ के खाने में मज़ा नहीं आता इस तरह की चीज़ों का ना। अच्छा तो खैर यहाँ पर ये देखें, ये चावल हो गए थे, तो इनको ना चावलों को मैंने अच्छा सा खोल दिया था, और यहाँ पर ये जो है ना कड़ी की आप ज़रा शक्ल चेक करें, और ना इसका जायका इतने मज़े का था, जायका बहुत मज़े का था इसका जायका। अच्छा पकौड़ों में ना अजवाइन भी अम्मी ने डाली थी, पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, नहीं बताया तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने अम्मी ने ना इसके अंदर अजवाइन भी डाली थी। अच्छा यहाँ पर बस ना अब ये दस्तरखान लग गया था, और ये अम्मी जो थी ना सबको प्लेट्स वगैरह बना के दे रही थी। पहले ना सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं बना के, ताकि ना बच्चे सुकून से बैठ के खा लें, कोई बच्चा सालन खाता है, कोई बच्चा सालन नहीं खाता, मतलब बच्चों की भी पता है अपनी अपनी ना, सब बच्चों की ना अपनी अपनी मर्ज़ी है, किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है, किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे जो थे ना वो खाना वगैरह खा रहे थे, और फिर ना हम लोगों को भी सही भूख लगी हुई थी, तो सब ने बैठ के फिर हम लोगों ने भी ना यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। आप लोग भी इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी लग रही है। और ना पता है कड़ी और निहारी दो चीज़ें ऐसी हैं जो ना अगर आप रख के दूसरे दिन सुबह खाएंगे ना नाश्ते में या फिर खाने में, तो आपको ज़्यादा मज़े की लगती है। नाश्ते में खैर खाई जाती है क्योंकि खाने तक तो बचती नहीं है, और ना ही ना दूसरे दिन कोई खाता है दोबारा वही चीज़, ना हमारे ना ताज़ी चीज़ बनती है और ना माशाल्लाह खा हो जाती है ताज़ी। अच्छा तो खैर यहाँ पर जो ना हमने भी खाना एंजॉय किया था, और आप भी इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। चलें फिर इसी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।